सबसे पहले बात ये समझने की ज़रूरत है कि हर वो शख्स जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में रहता है, जो कि उस जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, अगर उसका लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कोई इशू है तो वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। उसके ऊपर बार है इस चीज़ की कि वो सिविल कोर्ट, जो कि हमारी नॉर्मल अदालत होती है एवेक्शन की, उसमें नहीं जा सकता। उसने कंटोनमेंट बोर्ड में जाना है और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ही उसका इस चीज़ का फैसला होगा कि क्या रेंट सही तरीके से, सही टाइम पे जमा होता रहा है, क्या प्रॉपर्टी की आपकी ठीक तरीके से की गई है। सारे वो मसले जो कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान में हो सकते हैं, वो इस एक्ट के अंडर ही रेगुलेट होते हैं। दैट इज़ जो कि सबसे पहली बात है, वो ये समझने की है। दूसरी बात इसके अंदर समझने की ये है कि अदालत, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट है, इसलिए ये समरी ट्रायल पे ऑपरेट करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान के साथ मैं हूँ मेयर मोहम्मद अज़ीज़। नाज़रीन, हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963 पे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़िज़ान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और सिल्वर लाइन लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है, ठीक ठाक। आपको क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िज़ान साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963, जो कि रेंट के मामलों को डील करते हैं, हमारे पास दूसरे लॉज भी थे, इस लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए जी, कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट ऑफ 1963 को समझने के लिए हमें इससे पहले समझने की ज़रूरत है कि कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है। कंटोनमेंट बोर्ड की फॉर्मेशन जो है वो एक्ट ऑफ 1924, जिसको कंटोनमेंट एक्ट कहा जाता है, उसके अंडर की गई है। ये कंटोनमेंट, जिसको उर्दू में छावनी कहा जाता था, ये बनी थी इस पर्पज़ के लिए कि यहाँ पे मिलिट्री और मिलिट्री ऑफिशल्स रहेंगे, प्लस मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स होंगी यहाँ पे। इसके लिए, इसको नॉर्मल कानून से अलहदा करने के लिए कंटोनमेंट का इदारा बनाया गया, जिसके अंदर उनकी रेजिडेंशियल प्लस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जगह बनाई गई। इसके लिए हमें स्पेशल कानून बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसकी गवर्नेंस जो है वो मिलिट्री के अंडर आती है। ये प्योरली सिविल इदारा नहीं है, ये प्योरली मिलिट्री इदारा है, जो कि 1924 में फॉर्मलाइज कर दिया गया, और उसके बाद 1924 के एक्ट के अंडर ही इसके अंदर सिविलियन पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया गया। जिसे हो ये रहा था कि जिस तरह यूनियन काउंसिल का इलेक्शन होता है तो उसके बाद काउंसिलर अपॉइंट होता है, उसी तरीके से कंटोनमेंट बोर्ड के एग्जेक्टिव मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, जो कि थ्रू इलेक्शन अपॉइंट होते हैं, और इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन का इख्तियार उन सब लोगों को होता है जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर रहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कंटोनमेंट बोर्ड की हद तक। फिर आ जाते हैं हम कंटोनमेंट बोर्ड रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट के अंदर। अब क्योंकि हमने कंटोनमेंट बोर्ड के लिए मुख्तलिफ कानून, डिफरेंट कानून बना लिए, तो उसी तरीके से हमने टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप और उसकी गवर्नेंस को की रेगुलेशन के लिए हमें इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी थी। मतलब जो कंटोनमेंट बोर्ड है, इसमें जो केसेस जाएंगे, ये मिलिट्री ऑफिशल्स ही लेके जा सकते हैं या फिर सिविलियंस भी जा सकते हैं? इनमें कौन से केसेस जाएंगे? नहीं जी, पोस्ट 1924, क्योंकि इसके अंदर सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशल्स इकट्ठे काम करते हैं, इसलिए इसके अंदर सिविलियंस भी केसेस लेके जा सकते हैं और मिलिट्री के ऑफिशल्स भी अपने केसेस लेके जा सकते हैं। दिस इंक्लूड्स रिटायर्ड ऑफ मिलिट्री ऑफिशल्स एंड इट इंक्लूड्स ऑल सिविलियंस जो कि कंटोनमेंट एरिया के अंदर रहते हैं। अब जिस तरह हम आजकल देखते हैं कि DHA के अंदर प्रॉपर्टी की एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी DHA बहुत बढ़ रहा है, जिसके अंदर सिविलियंस बहुत ज़्यादा आके अब रहते हैं, जिसकी वजह से सिविलियंस और मिलिट्री दोनों इस अदालत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये मैं बताता चलूँ कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर वही केसेस जाते हैं जो इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करते हैं, और इसके अंदर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के की है वो होगी। तो बाय एंड लार्ज अगर इसको समझने की ज़रूरत है तो जहाँ जहाँ पे DHA की प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कॉल्ड कंटोनमेंट बोर्ड। उसके अलावा भी वो एरियाज जो कि डिमार्क्ड हैं एज कंटोनमेंट बोर्ड की एरियाज, उसके अंदर सारी की सारी टेरिटरी कंटोनमेंट बोर्ड की रेगुलेशन के अंडर आती है। फिजान साहब, आज हम खास बात कर रहे हैं रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट की,
तो कैंटोनमेंट बोर्ड में जो रेंट के मामलों की जो फाइलिंग है, क्या वो उसी तरह उसी प्रोसीजर से होती है जहाँ नॉर्मल कोर्ट्स में फाइलिंग होती है, जैसे कुछ मुख्तलिफ प्रोसीजर है? यहाँ पे दो बातें समझने की ज़रूरत है। नंबर वन बात यह है कि ये प्योरली जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो जज, जो कंट्रोलर इसको कोर्ट को एडमिनिस्टर करता है, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर आता है, वो जुडिशरी का मेंबर नहीं होता। तो दैट इज़ नंबर वन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। नंबर टू बात यह है कि प्रोसीजर, जिस तरह हम सिविल कोर्ट के अंदर एक एविक्शन का केस फाइल करते हैं, उसी तरीके से इसका भी प्रोसीजर वेरी सिमिलर है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आपको अपने घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का नक्शा बना के जमा करवाना पड़ता है। आपको वो नक्शा अगर तो कंटोनमेंट बोर्ड की अथॉरिटी से मिल जाता है तो वो वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से बनाया हुआ नक्शा भी अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीजरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अखबार इश्तहार भी उसी तरीके से होता है, नोटिस का जो प्रोसीजर है वो भी वैसे ही होता है जिस तरह सिविल कोर्ट का प्रोसीजर होता है। अच्छा फिजान साहब, आप मुझे बताइएगा, ये तो हो गई फाइलिंग, उसके बाद जो केस चलता है, यहाँ पे प्रोसीजर लॉ कौन सा अडॉप्ट करते हैं? देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले बात ये समझने की ज़रूरत है कि हर वो शख्स जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में रहता है, जो कि उस जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, अगर उसका लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कोई इशू है तो वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। उसके ऊपर बार है इस चीज़ की कि वो सिविल कोर्ट, जो कि हमारी नॉर्मल अदालत होती है एविक्शन की, उसमें नहीं जा सकता, उसने कंटोनमेंट बोर्ड में जाना है। और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ही उसका इस चीज़ का फैसला होगा कि क्या रेंट सही तरीके से, सही टाइम पे जमा होता रहा है, क्या प्रॉपर्टी की आपकी ठीक तरीके से की गई है, सारे वो मसले जो कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान में हो सकते हैं, वो इस एक्ट के अंडर ही रेगुलेट होते हैं। दैट इज़ जो कि सबसे पहली बात है, वो ये समझने की है। दूसरी बात इसके अंदर समझने की ये है कि अदालत, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट है इसलिए ये समरी ट्रायल पे ऑपरेट करती है। अदालत के पास दो सवाल हैं, पहला सवाल पोजेशन की हद तक है, दूसरा सवाल रेंट की हद तक है। जहाँ पे रेंट का सवाल है वहाँ पे अदालत का काम है ये कि वो डिटरमिन करे कि फेयर रेंट क्या होगा, और उसके बाद पोजेशन के ऊपर बात आएगी कि पोजेशन किसके पास है, किस तारीख तक है। अगर वो टेनेंट के पास है तो जिस दिन तक उसके पास है उस दिन तक का रेंट वो ओ करेगा लैंडलॉर्ड को। फिर जहाँ तक हम रेंट के केसेस में रूटीन में जो देखते हैं कि टेनेंट की कोशिश होती है कि इस केसेस को डिले किया जाए, क्योंकि डिले में उनका फ़ायदा है, तो जैसे आपने बताया यहाँ पे समरी प्रोसीजर है, डिलेइंग टैक्टिक्स को रोकने के लिए कोई तरीका है या ये भी उसी तरीके से ऑपरेट होता है? हाँ जी, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट बहुत सही तरीके से किया गया है, जिसकी मिसाल आपको इस तरीके से दी जाती है कि अगर आप सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल करते हैं तो रेंट का ऑर्डर बहुत बाद में किया जाता है। कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के वक्त, जो कि प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, इसके अंदर ही सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि क्या रेंट था जो कि टेनेंट ने और लैंडलॉर्ड ने एग्री किया था, और उसके ऊपर कोर्ट अपनी डिटर्मिनेशन भी देती है कि उसके ख्याल में क्या ये रेंट फेयर था कि नहीं था, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको कोर्ट ऑर्डर करती है टेनेंट को कि वो आके ये रेंट जमा करवाए अदालत के अंदर, मीनिंग कंट्रोलर के पास ये रेंट हर महीने जमा करवाए जिस जब तक ये केस चल रहा है, मतलब टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। तो आप लैंडलॉर्ड के राइट जो हैं वो टू अ वेरी लार्ज डिग्री प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए क्योंकि उसका रेंट नहीं जाता कहीं पे। दैट इज़ नंबर वन। जब जहाँ तक पोजेशन की बात आती है, क्योंकि ये समरी ट्रायल होता है इसलिए ये समझा ये जाता है और कानूनी रूह से ये देखा गया है कि ये चीज़ ज़्यादा जल्दी कर की जाती है एविक्शन, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड का इशू थोड़ा सा और डिले हमें इसलिए भी ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आप सिविल कोर्ट से करते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड खुद नहीं करती। फिजान साहब, आपको मैं यहीं पर आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने एक बात की रेंट की ऑर्डर की, लेट सपोज एक रेंट का ऑर्डर होता है और उसकी कंप्लायंस नहीं होती, फिर क्या रेमेडी है एक लैंडलॉर्ड के पास? देखिए जी, कानून में तो ये बात लिखी है कि अगर
रेंट का ऑर्डर हो गया है और अगली डेट से पहले या अगली डेट के ऊपर टेनेंट ने वो रेंट जमा नहीं करवाया, तो उसका राइट टू डिफेंस वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है और इमीडिएटली अदालत का काम ये बन जाता है कि वो इविक्शन की तरफ चल पड़े। और इविक्शन के अंदर भी टेनेंट से उसका डिफेंस का राइट नहीं होगा, उसके पास जो लैंडलॉर्ड की असर्शंस होंगे उसी को मान लिया जाएगा। तो जो डिले का सवाल है वो काफ़ी हद तक हल हो जाता है इस चीज़ के ऊपर, अगर टेनेंट अनरिस्पॉन्सिव हो, वो अदालत ही ना आए, या फिर अगर वो अदालत आ गया और रेंट का ऑर्डर हो गया, वो रेंट ना जमा करवाए। फिजान साहब, अगर कोई लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को अनलॉफुली इविक्ट कर रहा है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, रेंट एग्रीमेंट इंटैक्ट होने के बावजूद, तो उसके पास क्या रेमेडी है कि वो स्टे के लिए कंटोनमेंट बोर्ड ही रिजू करे या फिर वो सिविल कोर्ट जा सकता है इस काम के लिए? मेरा इस सवाल इस वजह से है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड में रेंट के जो केसेस होते हैं वो एक वीक में सिर्फ 2 दिन होते हैं। अगर कोई अर्जेंट मैटर है, अर्जेंटली स्टे चाहिए, तो फिर क्या हम सिविल कोर्ट को रिजू कर सकते हैं? नहीं जी, आप सिविल कोर्ट को रिजू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंटोनमेंट की टेरिटरी के अंदर आता ही है। कंटोनमेंट की टेरिटरी के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उनके रेगुलेट करें। तो आप कंटोनमेंट बोर्ड ही आ सकते हैं, आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। अगर सिविल कोर्ट से आप स्टे ले भी ले लेते हैं, कई दफ़ा सिविल कोर्ट का कोई जज भूल के या गलती में ये स्टे दे भी देता है, तो उसके बाद आप अगर आप टेनेंट की साइड से हैं या आप लैंडलॉर्ड की साइड से हैं, आप वहाँ से जाके उनको कह सकते हैं कि जी ये कंटोनमेंट बोर्ड के टेरिटरी के अंदर आता है, यहाँ पे सिविल कोर्ट स्टे दे नहीं सकती। तो वो मेंटेनेबिलिटी की वजह से स्टे खारिज कर दिया जाता है और ये काफ़ी जल्दी कर दिया जाता है। फिजान साहब, अगर इसमें कोई पार्टी किसी ऑर्डर से एग्रीड अपने आप को समझती है, तो उसके पास अपील का फॉर्म कौन सा है? जी, इसकी अपील का इख्तियार जो है वो हाईकोर्ट के पास है अपील के अंदर। और अपील का ऑर्डर, आप रेंट का ऑर्डर भी चैलेंज कर सकते हैं और आप इविक्शन का ऑर्डर भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सिविल कोर्ट, नॉट बाय द हाई कोर्ट। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज के एपिसोड से कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट पे आपको एक काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। शुक्रिया।